नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं, पूजा करते समय उबासी या नींद क्यों आती है, पूजा करते समय अगर फूल गिर जाए तो इसका क्या मतलब होता है, और पूजा करते समय कभी कभी दीपक बुझ जाता है तो इसका क्या संकेत होता है, और पूजा करते समय अगरबत्ती या दीपक का धुआं या लौ जरूरत से ज्यादा तेज या ऊपर की ओर होना इसका क्या संकेत होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा करते समय कुछ इस तरह की घटनाएं हों तो इसका आपके जीवन में क्या असर होने वाला है, यह रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें बेचैनी ना हो। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि पूजा करने के दौरान भगवान आपको अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा कुछ संकेत को बताते हैं। मेरे साथियों, जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो एक विशेष ऊर्जा व्यक्ति के चारों तरफ घेरा बना लेती है, जो कि इस बात की पुष्टि विज्ञान में भी की गई है। इस ऊर्जा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, पूजा करते समय व्यक्ति के शरीर के आसपास का वातावरण और भी ज्यादा शुद्ध होने लगता है, मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। परंतु ऐसा होना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिव्य शक्तियों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि अगर पूजा करते समय आंखों से आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई संकेत दे रही है। अर्थात इसका मतलब आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा कर रहे हैं उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। या ऐसा भी होता है कि पूजा करते समय आपके आंखों से कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। तो दोस्तों, रोना इस वजह से भी आता है कि जो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी है वह हमें पूजा पाठ करने नहीं देता है। और ऐसा भी होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर की क्लीनिंग होने लगती है, इस वजह से कभी कभी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उसके साथ ही ऐसा एक और संकेत है कि पूजा के समय उबासी आना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आलस की एक निशानी है उबासी आना। अर्थात जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब आपको उबासी और जमाई आती है, तो पहली वजह यही होती है कि आप पूजा के दौरान आलस या नींद महसूस कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह भी होता है कि आपके आसपास जो पूजा के दौरान जो एनर्जी है वह आपकी आत्मा को शुद्ध नहीं करना चाहती है, ताकि आपका ईश्वर से कनेक्शन नहीं हो सके। और आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि पूजा करते समय आपको छींक ना आए, क्योंकि इससे आप अपवित्र हो जाते हैं। और यदि पूजा करते समय आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप तुरंत हाथ पैर धोकर पूजा करें। मेरे साथियों, कई बार भगवान की पूजा करते समय उनकी प्रतिमा से हमारे सामने फूल गिर जाता है, तो ऐसा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई बार जब हम भगवान के सामने किसी खास मनोकामना को लेकर जाते हैं तब वह इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, इसका इशारा उसी समय भगवान की ओर से मिल जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो समझिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय दीपक का बुझना अपशकुन माना जाता है। यदि किसी भी कारण से दीपक बुझ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के लिए पूजा की जा रही है उसमें ही कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आरती करते समय यदि दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए पुनः दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। वही जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान जलाया गया दीपक जरूरत से ज्यादा बरस जाए या ऊपर की ओर उठ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। और वही यदि अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं भगवान की सूरत की तरफ जाता है या ओम या किसी प्रकार की आकृति बनाता है तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। और दोस्तों, यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं परंतु घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर खुशबूदार बन जाता है तो इसे भगवान की कृपा का एक संकेत माना जाता है।
और यदि घर में आरती के दौरान आपको घंटियों की आवाज सुनाई देती है या फिर पूजा या आरती के समय कोई मेहमान ब्राह्मण या कोई भिखारी आ जाता है तो इसको भी भगवान का संकेत माना जाता है। तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।